नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका बचाव करते हुए सपा सरकार में हुए अपराधों पर विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। गुरुवार को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार के ऊपर फर्जी एनकाउंटर समेत कई गंभीर आरोप लगाए। इस पर डिप्टी सीएम ऋजेश पाठक ने पलटवार किया है। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अराजकता और गुंडाई को बढ़ावा देता है, ये बहु बेटियों के इज्जत को लूटने वालों को प्रमोट करती है। सपा जब भी सत्ता में आई है बहु बेटियों की इज्जत को खतरे में डालने का काम किया है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पलटवार करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या फर्क होता है। ये माफिया की मजार पर फतीहा पढ़ने वाले लोग हैं, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है, माफिया है। जब जब सपा सरकार में आई है तब तब अपराधी संरक्षण पाते रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। सुल्तानपुर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। जितने भी अपराधी हैं वो डरे हुए हैं। हमारी सरकार शुरू से ही अपराधियों पर लगाम लगाने में काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। वहीं पुलिस सुल्तानपुर मामले पर सीसीटीवी के आधार पर मोबाइल लोकेशन निकालकर पुलिस की कार्रवाई कर रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन में आने का काम करती है। चाहे कोई भी घटना हो हम प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देना है, लेकिन बीजेपी सरकार में किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।